तिवारीपुर थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर अपराध करने वाले 6 अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिनकी पहचान नौशाद अंसारी उर्फ गोलू पुत्र होसिलदार निवासी रसूलपुर कामरेड नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा वसीम कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी निवासी सईद अब्दुल्ला नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा नसीम पुत्र स्वर्गीय खलील अहमद निवासी रसूलपुर अजय नगर भट्टा थाना गोरखनाथ गोरखपुर, चौथा नईम पुत्र शमीम निवासी रसूलपुर अमृतानी बाग थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, पांचवा सागर भारती पुत्र भगवान दास निवासी मिर्जापुर पचपेड़वा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, छठवां कमरुद्दीन उर्फ पिंटू पुत्र शफीक अख्तर उर्फ पप्पू निवासी अजय नगर रसूलपुर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि उक्त गैंग का लीडर नौशाद अंसारी उर्फ गोलू अपने गैंग के अन्य साथियों वसीम कुरैशी नसीम नईम सागर भारती व कमरुद्दीन उर्फ पिंटू उपरोक्त के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंग के सरगना व अन्य सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं चोरी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर थाना तिवारीपुर पर गैंग लीडर नौशाद अंसारी उर्फ गोलू व उसके 5 अन्य साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर के थाना तिवारीपुर द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन्होंने कुल 6 शातिर चोरों के खिलाफ यह अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें गैंग का लीडर नौशाद अंसारी और उसके अन्य साथी वसीम नसीम नईम कमरुद्दीन और सागर इन लोगों द्वारा जनपद के विभिन्न थानों में घूम घूम कर चोरियां की जाती थी। गैंग लीडर के ऊपर इस तरह के टोटल 5 मुकदमे पंजीकृत हैं और अन्य अभियुक्तों पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इन साथी चोरों के खिलाफ गैंगस्टर लगा के इन लोगों की जो जरायम की दुनिया से कमाई की संपत्ति है उसको भी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई है उसमें।